आपका मारो राजस्थान में, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डीक से बड़ी खबर के साथ मारो राजस्थान की शुरुआत करते बताते चले कि साइबर ठगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये कार्रवाई की गई है। साइबर ठगों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है, ठगों की काली कमाई पर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर उनकी काली कमाई पर चलाया गया है। तो साइबर ठगों के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम जिस तरह दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, तमाम लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी काली कमाई पर बुलडोजर चलाया गया है, उनकी संपत्ति को नस्तनाबूद करने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है ताकि उनको भी जोर का झटका लगे। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया तो कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया है। देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए, राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, धर्मेंद्र पठान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है, हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए, मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है, जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए, अजय टमटा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया, शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि जम्मू में रिहायशी इलाके में जहां आतंकी हमले में चौमू के 4 लोगों की मौत का खबर सामने आई थी, तो इस मामले में अब सर्व समाज ने मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल चौमू थाने के सामने ही सर्व समाज ने धरना दिया है, जहां पर आंदोलन शुरू किया गया है और यह आंदोलन मुआवजे की मांग को लेकर है। मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे देने की मांग सर्व समाज के द्वारा की जा रही है, वो भी थाने के बाहर। मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। ये बताया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम भी कर दिया है। मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है। लोगों ने हाईवे पर धरना देना शुरू कर दिया है। बताते चले कि जम्मू के रिहायशी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी ट्रक पर बस पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी और उस बस खाई में गिरने से 33 लोग घायल हो गए थे। उसमें चौमू के एक परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर आई थी और इस खबर पर संवाददाता राकेश हमारे साथ सीधे लाइव तस्वीरों से जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी क्या लोग समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार करना जरूरी है?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम देख सकते हैं लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो मृतक आश्रित हैं उनको मुआवजे की मांग को लेकर के सर्व समाज के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार के लोग यानी पूरे इलाके के लोग अब यहाँ पर जो है न्याय की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सड़क में एक तरफ से पूरी तरीके से जैसे जैसे ये धरना आगे बढ़ता जा रहा है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साफ इनकी मांग है, इनका ये कहना है कि इनको न्याय चाहिए, न्याय में जो है 1 करोड़ रुपए यानी 50-50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मौत पर मुआवजा चाहिए, साथ ही एक आश्रित को नौकरी की मांग भी यहां पर की जा रही है। इस मामले में यहां पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शिखा मील के साथ साथ सभी उद्योग एवं व्यापार के लोग बैठे हुए हैं, जो सभी समाजों के जनप्रतिनिधि हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है, जो महिलाएं हैं सर्व समाज की हम दिखा सकते हैं। राकेश, मैं आपको थोड़ी देर में फिर से कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन आपको सीधे तस्वीरें हम अर्जुन राम मेघवाल की दिखाते हैं, जहां एक बार फिर से जीतने के बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और अब अपने पदभार को संभालते हुए आपको अर्जुन राम मेघवाल दिल्ली से सीधे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कल ही आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट 3.0 के कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी वो अपने कार्यभार को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राकेश की तरफ रुख करते हुए, क्योंकि राकेश जिक्र कर रहे थे वहां की, जहां पर सर्व समाज के द्वारा मुआवजे की मांग और धरने को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। जी राकेश। बिल्कुल, देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि आए हैं, जो परिजन हैं, जो मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि 50-50 लाख रुपए चूंकि पहले भी सरकार ने दिए हैं, हालांकि हमारी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि सरकार जो है संवेदनशील है और जो भी मुआवजा नियमानुसार होगा वो दिया जाएगा, जो मांग है वो संभवतः पूरी की जाएगी। लेकिन हम बात करेंगे स्थानीय विधायक यहाँ पर डॉक्टर शिखा मील हैं। डॉक्टर शिखा मील, किस तरीके से क्या मांग इन परिजनों की है जो धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ स्पेशल डिमांड है? हमारी डिमांड्स हैं कि जो आश्रित जन हैं, जो इनके सरकारी नौकरी दी जाए और 1-1 करोड़ का राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार ने तो हालांकि अनाउंस कर दिया है, केंद्र सरकार भी इन्हें स्पेशल कोई पैकेज दिया जाए, इनके लिए मुफ्त भविष्य के लिए मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं, तो ये सारी चीजें। और हम जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हमें ताज्जुब है कि कल से इस घटना का पता है, जो एक इतिहास में एक रेयर घटना है, और अभी तक सरकार ने कोई भी मुआवजे की अभी तक घोषणा नहीं करी है, वरना इस धरने की शायद इस तरह के मुआवजे की मांग है। खासतौर पर चूंकि आपने बताया कि जिस तरीके से कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ वहां पर स्पेशल दिया गया, यहां किस तरह के मुआवजे? देखिए, अगर उस हत्याकांड में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने ये चीज सोची, तो अब तो कल ही जैसे ही ये घटना हुई, राज्य सरकार का कोई भी एक यहाँ पे नुमाइंदा आके परिवार से मिलना चाहिए था, कोई भी उनके मंत्री हो, कोई भी भाजपा से वहां के विधायक जो मुख्यमंत्री जी यहाँ भेजे, उन्हें परिवार से मिलकर और मुआवजे की घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए थी, उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था कि जनता यहाँ पर अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्व समाज के साथ साथ जो मृतक के परिजन वो यहाँ पर बैठे हैं, राजेंद्र सैनी और ममता सैनी जिनकी मौत हुई, उनके राजेंद्र सैनी के बड़े भाई ओम प्रकाश यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से सर्व समाज और पूरा उद्योग व्यापार यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या आपकी मांग है, क्या आपको आश्वासन मिलेगा? जी सर, मैं जितने भी व्यापारी वर्ग हर समाज जो मेरा सहयोग दे रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मेरे परिवार का जो आज क्षतिपूर्ति किसी से भी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, उनकी तरफ से उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो मैंने मेरे भाई और भाई की बहू खोए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। बच्चों को सरकारी शिक्षा दीक्षा सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। क्या जो आपके परिजन आ रहे हैं, डेड बॉडी आ रही है, उनके अंतिम संस्कार को लेकर के किस तरीके से आपकी रूपरेखा है, कब अंतिम संस्कार करेंगे? जी सर, हम शांति वातावरण से प्रदर्शन ये जो कर रहे हैं शांति वातावरण से कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर हमारी शर्तें मान लेगी तो हम कोई ना तो फालतू बात करेंगे न और कुछ, हम सीधे हमारी डेड बॉडियों की अंत्येष्टि कर देंगे, अन्यथा गवर्नमेंट नहीं मानती है बातें तो हम शांति वातावरण से यही डेड बॉडी रखेंगे, गवर्नमेंट को लिखित में लेने के बाद ही अंत्येष्टि करेंगे। आपको किस तरीके से समझौता चाहिए, आश्वासन चाहिए, लिखित में चाहिए, क्या कुछ? लिखित में चाहिए, यहाँ की यहाँ फैसला चाहिए हमारे को तुरंत पर, हम आश्वासन के भरोसे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, जो परिजन पूछे कि क्या कोई रिएक्शन, कोई आश्वासन दिया गया है अधिकारियों की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए हमारी स्थानीय जो एसडीएम यहाँ पर हैं उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि सरकार के द्वारा उन्हें भेजा गया है, और चूंकि पहले जो परिवार की एक राजस्व रिपोर्ट होती है आर्थिक सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट जा चुकी है। राकेश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आप खबर दौसा से है, जिरोता में स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कांग्रेस नेता दौसा पहुंच चुके हैं। सांसद हरीश मीणा, सांसद ब्रजेंद्र ओला, सांसद मुरली लाल मीणा भी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, ममता भूपेश, कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर भी पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो दौसा के जिरोता से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आज स्वर्गीय राजेश पायलट, जो कि पूरे देश के किसानों के नेता थे, मसीहा थे, और दौसा उनकी कर्मभूमि रही है, दौसा को उन्होंने पूरे देश के अंदर नाम दिया था, आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि है। उनका जहां हम खड़े हैं यहीं पर उनका एक ऐसी दुर्घटना हुई थी, उसमें उनका देहांत हो गया था। जिस तरह से उनकी कार्य प्रणाली थी, ये पुण्यतिथि पर हम सब जो भी उनके अनुयायी हैं उनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी उनके अधूरे सपने हमको उनके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का भला हो सके, जो उनका सोच था। और इधर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा है। कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून 2024 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है। देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम राजनीति होती है, इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। मोदी की नई टीम में 10 मंत्री एससी यानी अनुसूचित वर्ग के हैं, जबकि 5 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी की तीसरी सरकार में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है, इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी है। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है, यानी टीम मोदी के फॉर्मूले में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया गया। कैसा रहा है पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं।
मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वो किसानों को खुश करने वाली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किश्त जारी की। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए गए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी सबसे पहले मोदी पीएम सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था, और पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने ये वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 4,21,00,000 घरों का निर्माण करा चुकी है, और अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आज की कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब, और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब, मोदी मंत्रिमंडल का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व नजर आता है। ओबीसी से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सीधे रुक करते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं चिराग पासवान की, जिन्होंने इस बार 5 की 5 सीटें क्लीन स्वीप करके एनडीए के सहयोगी के रूप में एक बड़ा भूमिका निभाते हुए अपने पदभार को संभालते हुए दिखाई पड़े। दिल्ली से सीधे तस्वीरें। इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूँ, सोच के साथ। 100 दिन का रोड मैप क्या है आपके मंत्रालय का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार 100 दिन के रोड मैप की बात कर रहे हैं। मुझे कम से कम 100 घंटा दे दें, पहले विभाग को समझ लूं, जान लूं। बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ब्रीफिंग मीटिंग रखी है, एक बार स्टडी कर लें हम लोग, पूरी तरीके से समझ लें। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से earlier to that NDA alliance was saying that they were calling NDA leaders to make them prime minister. Now they are saying that it's a Jhunjhuna vibhag with the alliance partners are getting. Bihar ke logon ko khas taur se kuch mila. Bihar has got 8 ministries, but still they are taunting. Well, I have said this repeatedly that it's not about the ministry, it's about the minister. It's never about a government, it's about the person who's leading it. It's never about an alliance, it's about the person who's leading it. It's always about the netritva karta, the person who's leading the thing. I have given example of my father. जो जिम्मेदारी जिस विभाग की उनको दी गई, जिस तरीके से उन्होंने उस विभाग में कार्य करके उस विभाग की पहचान बनाने का काम किया, मुझे लगता है हम जितने भी सहयोगी हैं, जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर अगर आप उसका जुड़ाव देश के गरीब वर्ग से अगर आप देखें, फूड प्रोसेसिंग का मैंने जिक्र किया, किसानों की जब आय को दुगना करने की हम लोग सोच रखते हैं, जब किसानों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की हम लोग बात करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में आप मेरे विजन में भी देखेंगे, मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की,
मैंने हाजीपुर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैंने हमेशा कहा हाजीपुर का केला है वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनते हैं, बट वहाँ पे ऐसे यूनिट्स नहीं हैं। अगर ये यूनिट्स वहाँ पर लग जाएं, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ मखाना आज की तारीख में देश में नहीं दुनिया में उसकी मांग है, ऐसे में अगर उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाएं जहाँ पे किसान उसका उत्पादन करते हैं तो उनके हाथ में ज़्यादा दाम आएगा। जितने भी सहयोगी हैं, जिस जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरीके से एमएसएमई की जिम्मेदारी दी गई है, ये कहीं ना कहीं देश की रीढ़ है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको मजबूती है। कोरोना काल में भी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बल अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी को दिया था तो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया था, पंचायती राज है। तो मुझे लगता है जितने भी सहयोगियों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समाज के उस वर्ग को दी गई है जिसकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। Why these kind of statement? That's what my question is. Why? Because they want to. तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस बार चिराग पासवान को दिया गया है। फिलहाल भिलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला और राम सनेही अस्पताल रोड शो पर कार के शीशे भी तोड़े गए बदमाशों के द्वारा। चार कार के शीशे तोड़े गए हैं और कार में जो सामान पड़ा था उसको बदमाशों के द्वारा चुरा भी लिया गया। एक कार को चोरी करने का भी प्रयास किया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास जो सीसीटीवी लगे थे उसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें हम कार पर बदमाशों के द्वारा हमले की दिखा रहे हैं। भिलवाड़ा से बड़ी खबर है, चार कार के शीशे तोड़कर कार में पड़े सामान को चोरी किया गया। एक कार को चोरी करने का प्रयास भी किया गया है। फिलहाल सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए हैं जहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर उन सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर अब पुलिस कार्रवाई को अंजाम देगी। देर रात बदमाशों का आतंक देखने को मिला। और कोटपुतली शहर में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। छोटा बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक मकान पर पत्थर फेंके हैं। ये आपको तस्वीर हम सीसीटीवी फुटेज के दिखा रहे हैं जहां बदमाशों के द्वारा पत्थर फेंके गए हैं। पत्थरबाजी के बाद बदमाश मौके से फरार भी हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पत्थर फेंकने की घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे देखिए तीन नकाबपोश बदमाश बाइक से यहां पहुंचते हैं और प्लास्टिक कट्टे से पत्थर निकालकर मकान में फेंकना शुरू कर देते हैं। अचानक वे पत्थरबाजी से मकान में सो रहे लोगों में दहशत फैल गई। रात को 1 बजे के आसपास हम सारे परिवार सोया हुआ था बाहर खुले में ही, तो 2-3 बदमाश आए और अंदर 10-15 पत्थर फेंककर चले गए, जिसमें हम बच गए, मेरे बच्चे बच गए। और सर परसों से हम तो डरे हुए हैं, कल रात को भी पूरी रात जगे रहेगी भाई। और अब मेरे बच्चे और मेरी पत्नी वो थाने में गए, उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, सब स्टाफ नहीं है, 1 घंटे बाद आना 2 घंटे बाद आना, तो वो लगभग आधा पौने घंटे रुक कर वहाँ से वो घर आ गए। और चित्तौड़गढ़ जिले के विख्यात कृष्णधाम सांवलिया जी के मंदिर में भक्तों ने दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाया। इस बार भक्तों ने 17 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाने के साथ ही भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ाए। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में हर महीने अमावस्या के एक दिन पूर्व दान पात्र खोलकर चढ़ावे की गणना की जाती है। करीबन 4 से 5 दिन तक जारी रहती है। इस दान पेटी में जो भी राशि जमा होती है उसकी गिनती की। इस बार भी अमावस्या के एक दिन पहले ही भंडारा खोला गया जहां गणना शुरू की गई। 4 चरणों में की गई गणना में 17 करोड़ से अधिक भंडारे में राशि निकली है। वहीं सोने चांदी के अन्य आभूषण भी दान पात्र में चढ़ावे के रूप में निकले हैं। इस बार एक भक्त ने 15 सोने के बिस्किट सावलिया सेठ को चढ़ाए हैं, जो चर्चा का विषय रहा। वेट कक्ष में निकली नकदी सोने चांदी के आभूषण की गणना अभी भी बाकी है। और मारो राजस्थान में तमाम खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। 11 बजे हमारा खास प्रोग्राम जरूर देखिए, बिग ब्रेकिंग।